तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश की जितनी भी बच्चियां हैं जो एम के लिए तैयार करती हैं खुद को मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए तो एक बार फिर से जोरदार तरीके से स्वागत है और मैं प्राउडली कहता हूं कि एम ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि देश की हर बच्ची ने कहा कि सर हमें एम के थ्रू एग्जैक्टली मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू जो डिफरेंट डिफरेंट सिक्स कॉलेजेस हैं हमारे जो है उनको हमको सर ज्वाइन करना है और हमें आर्म फोर्स का हिस्सा बनना ये हमारा जज्बा है बजाय इसको उन्होंने नीट का एग्जाम दे रखा है बट साथ ही साथ उनकी चाहत है कि नीट कॉलेजेस के लिए जो हम अप्रोच कर ही रहे हैं बट पहली प्रियोरिटी के रूप में हमने एमएनएस को रखा है अगर वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है तो दैट इज बेहतर होगा तो मेरे जबरदस्त इनिशिएटिव ले लिया इस को लेकर बड़ी बात गर्व से मैं इतने समय के बाद मैंने वीडियो बनाया और इसको बड़े ही पावरफुल तरीके से तो अब का पूरा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चलेगा जितनी बच्चियां हमारे यहाँ नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं उन्हें हम पहले भी अगर उनकी इच्छा है तो एमएनएस के लिए भी प्रिपेयर करेंगे जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस एक्स्ट्रा एफर्ट्स उन्हें नहीं करने होंगे अगर वो एम नीट प्रोग्राम की बच्चियां हैं और उन्हें एक और बेहतर गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज के लिए हम अभी से तैयार कर देंगे जहां बिना किसी फीस और बिना खर्चे के वो आम फोर्सेस में अपने आप को ए ग्रेड कैडर की जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ले जा पाएंगे उसी कड़ी में आज एम की नोटिफिकेशन की अपडेट लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं और बिल्कुल तैयार हो जाओ हाँ इसमें अहम यह जरूर है कि फॉर्म सर कब ओपन होगा तो जैसे ही नीट का रिजल्ट आपका अनाउंस होता है उसके तुरंत बाद आप इस एम के फॉर्म को इन एन आमी के पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं अब प्रश्न यह है कि सर नीट क्वालिफाई नीट क्वालिफाई का जो लास्ट टाइम क्राइटेरिया मार्क का रखा गया था वो 380 मार्क्स रखे गए जिस स्कोर पे हर बच्ची को जो है अपने रिटन की अगली जो प्रक्रिया वहां पर कंडक्ट की जाती है आपके ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट की साइकोलॉजिकल टेस्ट की और इंटरव्यू की और फाइनली मेडिकल की तो उस पूरी प्रक्रिया के लिए उन बच्चों को बेस हॉस्पिटल डेली कैंट में उनको बुलाया गया और पूरी की पूरी जर्नी को क्रमसा डन करके उन्हें Finally, उन six colleges का हिस्सा बनने का अवसर दिया गया तो मुझे लगता है है। तो है है कि बेहतरीन तो का बिल्कुल आने वाला बेटा। जैसे ही आता ये करना और करने के तुरंत बाद आपको अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है जो कि फेज टू की तैयारी है एमएनएस के लिए जिसमें आपके सीबीटी टेस्ट के साथ साथ पीए आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और आपका इंटरव्यू और फाइनली आपकी मेडिकल की प्रक्रिया होगी तो एक बार फिर से बहुत बहुत चुलेशन एंड फाइनली वी आर बैक फॉर द एम एन एस एस और हमने कमिटमेंट अब ले लिया है कि बच्चियों के नीट के बेस्ट स्कोर से लेकर के फाइनल एमएनएस तक जाने के रास्ते को भी अब एमकेसी तैयार करेगा एमकेसी नीट क्लासेस प्लस एमकेसी एमएनएस क्लासेस के माध्यम से तो एक बार फिर से जोरदार स्वागत है आप सबका मेजर कलसी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर ज्वाइंट मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेस बीएससी नर्सिंग कोर्स जो कि दो हजार तेईस के लिए प्रोजेक्टेड किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रक्रिया को कितना फास्ट तरीके से डन किया जाएगा दैट मीन तो जैसे हमारे यहाँ कॉलेजेस में जैसे मेडिकल कॉलेजेस में जो बच्ची इस बार एग्जाम दी हुई हैं जिन्हें जा करके फाइनली किसी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करना है उसी तरीके से जो हमारे एम के तहत सिक्स कॉलेजेस आते हैं उनका भी जो शेड्यूल होता है जुलाई अगस्त में तब तक आपकी सारी प्रक्रिया को डन कर लिया जाएगा तो बिल्कुल आपके पास समय नहीं बचा है जून जुलाई ही मंथ आपके पास है जिसके आपको खुद को बेस्ट तरीके से तैयार करना है और फाइनली चीजों को क्या कर देना है क्लोज कर देना है तो आइए शुरू करते हैं अपलिकेशन आर इन्वाइटेड फीमेल कैंडिडेट हुईड नीट यूजीफा गिरने वाला भी है वो बड़ी इस देश के, उनका पे रहता और बिल्कुल तो आप आश्वस्त रहिए आपको तो आपको उसकी तैयारी में तनम धन से लग जाना चाहिए ऑप्शन आपके पास

एट कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विज एफ एम एस कैंडिडेट विल भी सिलेक्टेड फॉर एडमिशन एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेस्ड ऑन द फाइनल मेरिट कम चॉइस द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर यूजिंग नीट यू जी स्कोर आपका नीट यू जी का जो स्कोर है उसके आधार पर कट ऑफ है कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट हो रहा है जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश का जिसको आप टॉगी भी कहते हैं उस टेस्ट में आपका क्या स्कोर जा रहा है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं पी ए टी में अपने फाइनली इंटरव्यू में आप कैसा कर रहे हैं और फाइनली आपका मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड क्या है और वैकेंसीज क्या है, है हर कॉलेजेस की और जितने कॉलेजेस के लिए आपने अप्लाई कर रखा उस प्रियोरिटी के हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा और फाइनली एम्स के जितने हमारे सिक्स कॉलेजेस हैं उनका हिस्सा बनने का आपको बेहतर अवसर मिलेगा आइए कुछ डिटेल की ओर और, और बढ़ते हैं बच्चा इंडियन मेडिकल की ऑल कैंडिडेट जायरे साहब सीकिंग एडमिशन फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्स एट ए एफ एम एस इंस्टीट्यूशन टू क्वालीफाई नीट यूजी पहला कंडक्ट बाय एनटीए टी जो कि आपका पहला स्टेप होता है नीट इसलिए मैंने कहा कि एमकेसी स्टार्टेड द नीट प्रोग्राम फॉर द इंडिया पूरे भारत के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया अब लाखों की फीस आपको नहीं देनी है ऑफलाइन वर्जन में आपको उसके वन फोर्थ फीस में वही व्यवस्था उतने ही क्वालिटी का टीचर आप प्रोवाइड करेगा एम तो देश के हर बच्ची गाँव से हो कस्बे से हो छोटे शहर से हो आम परिवार से हो हर मिडिल क्लास और आम परिवार तक हमारी पहुंचने की कोशिश है और हर बच्ची का सपना पूरा करने का हमारा जज्बा है उसी के तहत हम लोगों ने नीट का प्रोजेक्ट

और सारी प्रक्रिया तेजी के साथ डन कर दी जाती है एक से दो दिन के अंदर एलिजिबिलिटी डॉस की बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट हुआ और अनमेरिड डाइवोर्स लीगली सेपरेटेड विदाउट एनी इश्यू वो बिल्कुल एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए Uh, reason, आप, इंडिया आपको होना है डेट ऑफ बर्थ मोटा मोटा देख लें फर्स्ट अक्टूबर उन्नीस अगर इन पर्टिकुलर डेट्स पे आपका जन्म हुआ, हुआ, हुआ अप्लाई आइए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो टेन प्लस टू आपका होना चाहिए और पहले अटेम्प में क्लियर होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने कर रखा हो और इंग्लिश में भी आपके 50 जो है मार्क्स होने अनिवार्य हैं तो ये बेसिकली है और रेगुलर स्टूडेंट आपका होना अनिवार्य है अगर अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में बात कर लें तो ऑब्वियसली बीएससी नर्सिंग के लिए आप जा रहे हैं आर्म फोर्सेस में हाइट को लेकर पैरामीटर है तो आप में भी बड़ा डर रहता है तो घबराना नहीं है वन सेंटीमीटर ओनली वन सेंटीमीटर एंड एवरी गर्ल्स आर एलिजिबल फॉर दिस हाइट तो आप सब बिल्कुल एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करिए और कुछ स्पेशल कंडीशंस में वन भी कर दिया जाता है और टू सेंटीमीटर के भी आपको ग्रोथ मतलब रिलैक्सेशन मिल जाते हैं स्पेशल हिली एरिया और उस तरह के लोकेशंस के लिए ठीक है ना ये हो गया फिर साथ ही साथ बढ़ते एनसीसी स्पेशल सर्टिफिकेट्स आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो उसको भी जरूर कैरी करिए स्क्रीनिंग प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग आप कैंडिडेट का देखो शॉर्ट लिस्टिंग का क्या क्राइटेरिया उसको भी समझते हैं बच्चा द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन थ्रू द नीट यू स्कोर नीट यू स्कोर पर शॉर्ट लिस्टिंग है रेफरेंस नंबर ऑफ द कैंडिडेट हुआ शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस विल बी डिस्प्लेड एट द वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट इन आई सी डॉट इन तो जितने भी शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाते हैं उनको इसी साइट पर पब्लिश कर दिया जाता है टॉगी साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू एंड फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन एट बेस हॉस्पिटल डेली कैंड बेस्ट हॉस्पिटल डेली कैंड पे ही सबको बच्चे रिपोर्ट करना है द एडमिट कार्ड फॉर द सेम कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द अब अ वेबसाइट बिल्कुल इसी वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड भी अपना डाउनलोड कर लेते हैं तो एक्जैक्टलीस्टिंग का प्रोसेस काफी तेजी के साथ होगा आप बेटा जैसे ही अप्लाई करोगे उसके विदिन वन बीक या टेन डेज आपको ये यहां पर आ जाएगी उसमें आपने अपना नाम देखा नाउ गेट रेडी फिर वहीं एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है गेट रेडी फॉर द डेली बेस हॉस्पिटल टू रिपोर्ट फॉर द स्क्रीनिंग जर्नी फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड फाइनली फॉर द इंटरव्यू एंड मेडिकल तो दीज आर द बेसिक देश विच नीड टू टेक केयर रिक्वेस्ट ऑफ चेंज डेट्स स्क्रीनिंग प्रोसेस कोई डेट चेंज वेंज नहीं होगी जो डेट मिलेगी वो फाइनल रहेगी वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में लाजमी सी बात है कि आपका जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल आप कैसे कर सकते हैं एडमिट कार्ड को लेके अपना टेंथ ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह सारा चीज बट साथ ही साथ अगर आपके पास नहीं है मान लीजिए ओरिजिनल के तौर पे तो आप फोटो स्टेट लेके जाएंगे लेकिन उस इंस्टीट्यूशन से आप या उस ऑर्गेनाइजेशन से जहां आपने दे रखा है एक अंडरटेकिंग जरूर लेके जाइए जिससे कि उन्हें पता चले कि हाँ किस कारण से आप ओरिजिनल कैरी नहीं कर पाए हैं ठीक है ना दॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इज नॉट पर्सन ऑफ द डॉक्यूमेंट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन मतलब डॉक्यूमेंट्स किसी भी स्टेज में नहीं मिलेगा तो आपको फाइनली वो कैंडिडेचर आपका कैंसिल करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है आइए टेस्ट को समझ लेते हैं टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश जनरलिश बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड है सीपी टी बेस्ड होगा बच्चा कंसिस्टिंग मतलब आपके चालीस क्वेश्चन केवल आते हैं फॉर टू मार्क्स ईच मतलब अस्सी नंबर का आपका हो गया एंड द नेगेटिव मार्किंग विल भी पॉइंट फाइव मतलब आपका वन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा तो ध्यान रखना है जो भी करना है सही करना है टाइम तीस मिनट का है चालीस क्वेश्चन होते हैं तो अगर एक सही तैयारी कर ली जाए सही तरीके से गाइडेंस मिल जाए तो मुझे लगता है अपने इंटेलिजेंस जिसमें आपके रीजनिंग पार्ट हो जाता है जीके का पार्ट हो जाता है और फाइनली इंग्लिश होती है तो बहुत टफ नहीं आता बेटा बहुत ईजी आता है बस जरूरत है कि इस तरह की आपकी एक पढ़ाई हो जाए क्योंकि नीट का सिलेबस आप पढ़ के आए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपका पूरा दिमाग उसी में रहा तो रीजनिंग भी छुट्टी हुई है इंग्लिश भी छुट्टी हुई है और पहली जी के भी आपका छुट्टा हुआ है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो इन सारे सेगमेंट में आपको बिल्कुल स्ट्रांग बना देते हैं बच्चा जिससे कि आपका जो अगला फेज है स्क्रीनिंग का सी का उसमें आप बेस्ट कर पाएँ और फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी अटेम करके आप वहाँ पर आएँ राइट टाइम पर फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू पार्ट है ट बिल अंडर गो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे जिनको आपको जवाब देना होता है इट्स अ वेरी जेन्यून क्वेश्चन फौजी बनने जा रहे हैं तो कुछ पैरामीटर हैं कुछ क्राइटेरिया हैं कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपको मीट करना होता है ड्यूरिंग इंटरव्यू बोर्ड ऑफिस एट द बेस हॉस्पिटल डेली कैंड द कैंडिडेट मे बी आज क्वेश्चन ऑन द कोर सब्जेक्ट अप टू ट्वेंथ स्टैंडर्ड जो कोर सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसके आधार पे होगा जनरल नॉलेज के आधार पे होगा करंट अफेयर्स के आधार पे होगा इंटरेस्ट हॉबीज़ ई टी मतलब ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को देखने की कोशिश की जाएगी इसलिए मैंने कहा कि जनरल अवेयरनेस का बड़ा रोल होता है वो रोल आपके रिटर्न से लेकर के फाइनली आपके इंटरव्यू तक शिफ्ट होता है जहां आपको बेहतर होने की जरूरत होती है ठीक है ना तो ये बेसिकली चीज है ड्यू बेटे विल बी गिवन टू द कैंडिडेट ड्यूरिंग द इंटरव्यू फॉर द अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स अगर स्पोर्ट्स में कुछ बेहतर है बेटा तो आपको बहुत बहुत सपोर्ट करता है ऑल कैंडिडेट हैव टू मेडिकली फिट इन कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट जो है चार्टर ऑफ द ड्यूटीज एंड लेवल ऑफ फिटनेस ऑब्वियसली ऑबर फॉर द कैंडिडेट टू ज्वाइन जॉन एस बेटा बिल्कुल आपको दौड़ कम से कम दो किलोमीटर की रखना है ऑल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बिल अंडर गो स्पेशल मेडिकल बोर्ड एस एम बी एट बेस हॉस्पिटल ऑन देशन ऑफ द मेडिकल एग्जामेशन फिर जो स्टेटस हो आपको अपडेट कर देंगे अगर वहां मेडिकल में कोई इशू आपको आ रहा है तो आपको कहा जाता है कि कैंडिडेट डिक्लेयर अनफिट बाय द मेडिकल बोर्ड में अपील अगेंस्ट द डिसीजन आप डिपोजिट मतलब कभी कभी क्या होता है कि अनफिट कर दिया तो आपके पास अधिकार है चालीस रुपए का एक फॉर्म आता है बाय आरोपीकेशन अलॉन्ग विदिप्टेड कॉपीओ मस्ट बी प्रेजेंटेड बाई द कैंडिडेट एट शुड बी रिपोर्ट टू द कंसर्न हॉस्पिटल फॉर द अपील मेडिकल बोर्ड ए एम बी विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एस एम बी तो आप बिल्कुल री मेडिकल के लिए जो है आप अपील मेडिकल बोर्ड में जा सकते हैं फिर वहां से फिर से आपको चौबीस घंटे के अंदर अपीयर होना पड़ेगा अपने मेडिकल प्रक्रिया को डन करने के लिए ऑल कैंडिडेट मस्ट भी प्रेजेंटेडेडेड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन टिल द कम्पलिशन ऑफ मेडिकल बोर्ड And declaration of their medical status. In case a candidate fails to be physically present during SMB or MB, he will be declared unfit in absentia. Any representation at the later date in writing or telephonic, email will not be entertained. किसी भी तरह की इस तरह की बात entertain नहीं की जाएगी तो जो भी चाहिए प्रक्रिया पूरी करके आएँगे. Final selection की बात कर लेते हैं. बिल्कुल भी based on the combined merit of NEET UG का score जो बच्चा आपका है. आपने टॉगी में दैट मीन अपना जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश में आपने क्या स्कोर किया हुआ है साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका कैसा हुआ इंटरव्यू कैसा हुआ और मेडिकल फिटनेस कैसी है सारे आधार बनते हैं फिर मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड कॉलेज विल बी एलोकेटेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट कम चॉइस तो ध्यान रखिएगा छह के छह कॉलेज लिस्ट में हैं उनकी अपनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं तो जो प्रियोरिटाइज होता है और जिस कॉलेज के लिए जितना इन्होंने कट ऑफ क्राइटेरिया बनाया हुआ अगर वहां तक आप मीट कर रहे हैं तो उस कॉलेज में जाएंगे उसमें नहीं मीट कर रहे हैं दूसरे वाले में कर रहे हैं तो उसमें जाएंगे दूसरे में नहीं कर रहे तीसरे में कर रहे हैं तो तीसरे में जाएंगे उसी ऑर्डर में आपका यह बच्चा तैयार किया जाता है सब्जेक्ट टू तो सीट अवेलेबल एट द ईच कॉलेज बिल्कुल डिपेंड करता है द लिस्ट ऑफ selected कैंडिडेट विल be published ऑन द join इंडियन आर्मी वेबसाइट द candidate are required टू चेक द वेबसाइट regularly फॉर द अपडेट द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द each कॉलेज एंड अंडर respective यूनिवर्सिटीज for द ea ट्वेंटी as schedule नीचे आप देख सकते हैं तो सबसे पहले आपका ए एफ एम सी ही आ जाता है पुणे जो सबसे पहली चॉइस होता है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंतर्गत ये फिलेक्ट किया गया है 40 सीट हैं इसके अंतर्गत फिर आपका कोलकाता आता है जो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंतर्गत जो है एफिलिएट किया गया इसमें थर्टी सीट्स हैं फिर आपका आता है अश्वनी मुंबई महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ये भी है फोर्टी सीट्स हैं डेली यूनिवर्सिटी न्यू डेली डी की बात करते हैं थर्टी सीट्स हैं वहीं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है और इसके थ्रू इसका एपिलेशन है जो कि एम का कॉलेज है फोर्टी सीट्स यहाँ पर भी हैं और बेंगलोर की बात करें राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस उससे ही अपिलेटेड है जिसमें चालीस सीटें टोटल टू हंड्रेड ट्वेंटी सीट्स हैं आई थिंक इट्स अ सिक्योर लाइफ जो बच्चे इसके लिए तैयार करती हैं एक रेपुटेशन एक लाइफ एक स्टैंडर्ड लिविंग का मिल जाता है जो मुझे लगता है कि अपने आप में बेस्ट है आपके पास दोनों ही चीज़ें बेहतर हो जाती हैं एडमिशन टू द कॉलेज द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एल एग्जीक्यूट एंड अग्रीमेंट बॉन्ड टू द सर्व इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज पहला स्टेप ये होता है मेडिकल द टाइम ऑफ एडमिशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग दे विल बी प्रोवाइडेड विद द फ्री रेशन अकोमोडेशन यूनिफॉर्म अलाउंसेस सारी चीजें मंथली स्टाइपेंड। एज पर द रूल जो है अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम मतलब सब कुछ मिलता है यहाँ तक स्टाइपेंड में भी मिल रहा है आपको वहाँ पे मतलब एक होता ना कि आप डॉक्टर की पढ़ाई करने जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस में सब कुछ आपको बी करना है इसमें सिलेक्शन पाने के बाद सब कुछ गवर्नमेंट को बीयर करना है और जॉब भी सिक्योर हो गई क्योंकि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट करते हैं जर्नी को तो लाजमी सी बात है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती उससे बट हाँ डिग्री एक होती है जिसके दम पे आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज्वाइन करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का भी हिस्सा बनते हैं बट यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें जाने के बाद आप पूरी तरह से आपकी पढ़ाई भी फर्दर पूरा देख लिया और में मिलना शुरू हो गया सारी चीजें द डेट ऑफ ऑफ कमीशन फॉर एंड कंप्लीशन ऑफ द कोर्स डिपेंड ऑन उसी के आधार पर होगा ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बी नर्सिंग कोर्स ऑफ फोर इयर साल कंप्लीट करने के बाद बी ग्रांटेड परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस दोनों है फिर कर दिया जाता है आपको अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन लेट डाउन बाई द ग्रांट ऑफ सच कमीशन द डेट ऑफ कमीशन तो पूरा क्राइटेरिया होता है, ये का प्रोसेस है। सारी चीजें स्टेप बाई स्टेप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आपको अपडेट होता रहेगा तो क्रमशाह चिंता ना करें हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है जी। पे जाना है जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है और क्वालिफाइड है तो बिल्कुल कट्टा भी मैंने बता दिया थ्री फिफ्टी के आसपास है तो आप बिल्कुल जाइए तेज़ी के साथ ऑनलाइन ही प्रोसीडिंग है इंडियन की वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा आप तेज़ी के साथ उसको अप्लाई कर सकते हैं करेक्शन वगैरह जो रहेगा सबमिट होने के पहले सही कर लीजिएगा और अप्लाई करने के बाद बाकायदे प्रिंट आउट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से ले लीजिएगा जिससे कि आगे, आगे आपके पास डिटेल में रहे और जो पेमेंट वगैरह कर रहे हैं उसका भी रेफरेंस नंबर हो गया जो रिसिप्ट है वो सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में दोनों प्लीज़ मेंटेन करके रख लेना बच्चों आपको आगे काम आता है कैडिमेटिक प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड अप्पीकेशन ऑन देयर ओन रेफरेंस अंग विद द पेमेंट कन्फर्मेशन पेज दोनों चीज़ों का आप प्रिंट आउट भी लेके यहाँ पर रख सकते हैं वन द कैंडिडेट विल सबमिट द अप्लीकेशन अ प्रोविजनल रजिस्टर नंबर कॉल्ड रेफरेंस नंबर विल भी जनरेटेड एक आएगा दिस नंबर विल बी द टू द रजिस्टर्ड ईमेल आई मतलब ईमेल आई और रेफरेंस नंबर मतलब जो आपका नंबर है तो ध्यान रखिएगा दो ही कम्युनिकेशन के माध्यम है आपकी मेल आई और आपका कॉन्टेक्ट नंबर दोनों को एक्यूरेट आपको रखना है ठीक बच्चा रिक्वेस्टेड जितना ज्वाइन इंडिया हम की वेबसाइट रेगुलर अपडेट में मिलते रहेंगे बाकी अब अपडेट तो मैं आपको लगातार आके देता ही रहूंगा इंपॉर्टेंट नोट में भी कुछ चीजें बताएं इन्होंने जैसे इट इज द इंडिविजुअल रिस्पॉन्बिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन श्योर सक्सेसफुल पेमेंट द अपलीकेशन फी मतलब पेमेंट प्रॉपर होना चाहिए आपकी जिम्मेदारी रिसिप्ट आप डी नंबर इज नॉट द नॉ फॉर द सक्सेसफुल पेमेंट दियर द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेक श्योर दैट द अपीलेशन फी इज डेबिटेड फ्रॉम दियर बैंक अकाउंट ये आपके अकाउंट से कटना चाहिए केवल डी यू रिसिप्ट लिए एनफ नहीं होगी कैंडिडेट मस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ द पेमेंट रिसिप्ट एंड रीड द केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सब कुछ पढ़ पढ़ के बकायदे आराम से बढ़िया से करना इसमें कोई बेटा रेस लगाने की जरूरत नहीं इट इज इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी के साइट को आप चेक करते कर, रहें विजिट करते रहें तो ये बेसिकली चीजें हैं आपके लिए जो आपको जानना है और रिजेक्शन यही होता है कि नॉन पेमेंट हुआ है बहुत सारी चीज़ें उस वजह से आपका रिजेक्शन वहाँ पे हो जाता है ठीक है ना और फ़ोन नंबर और मेल आईडी में कभी गलती मत करिए उसको आइडली आपको एक ही रखना है उसमें ज़्यादा चेंजेस लाएंगे तो आपके लिए दिक्कत का विषय बन जाएगा तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट अ अर्टन देआर एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन हैविंग फिल्ड अप द ऑनलाइन अपलीकेशन फ्रॉम द बींग कॉल्ड फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस डज नॉट जो है नेसेसली मीन एक्सेप्टेंस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफर फॉर द एडमिशन तो ध्यान रखिएगा इस पूरी प्रक्रिया में अप्लाई करने का मतलब केवल इतना हो रहा है कि आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए कॉल किया जाएगा ये बेसिकली कोरेस्पोंडेंस एड्रेस एंड फॉलो इसको भी बकायदा स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए इंटीग्रेटेड हेड क्वार्टर एमओडी आर्मी एडजुडंट जनरल ब्रांच डीजीएमसी आर्मी डीजीएमसी 4बी डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स थर्ड फ्लोर ए ब्लॉक केजी मार्ग न्यू दिल्ली ये आपका हो गया टेलीफोन नंबर डिटेल ईमेल आईडी सारी चीजें यहां पे दी हुई है और सब कुछ बाकायदे ध्यान देकर सारी चीज़ें बढ़िया से रख लें तो ये बेसिकली जानकारी थी बेटा जो काफ़ी दिन से मैं आपके सामने नहीं ला रहा था बट इसके बावजूद भी आपके कोई क्वेरीज हों कोई क्वेश्चन हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करिए बट दिस इज़ अ वेरी वेरी हाई टाइम फॉर यू बच्चा बिकॉज आपने मेहनत की है और अगर इतना आप मार्क्स नीट में स्कोर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए लग जाना चाहिए क्योंकि आपको अवसर मिलने वाला है बिल्कुल इसके स्क्रीनिंग प्रोसेस साइकोलॉजिकल टेस्ट इंटरव्यू ऑन मेडिकल की प्रक्रिया से गुजरने का और फाइनली इन टॉप सिक्स कॉलेजेस का हिस्सा बनने का तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बाकी किसी भी तरह के क्वारी एंड क्वेश्चन के लिए बिल्कुल कॉल करिए नाइन पर और कॉल करके सीट जरूर रिजर्व कर लीजिए जिससे बच्चा आपको इजिली बढ़िया तैयारी मिल सके और फाइनली आप हर स्टेप पर चाहे वो सीबीटी टेस्ट हो चाहे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चाहे इंटरव्यू चाहे मेडिकल हर स्टेप पे एमकेसी आपको बनाएगा परफेक्ट एंड बात तो थैंक यू सो मच और बिल्कुल एमकेसी ने नीट ने की शुरुआत कर दी है हर बच्ची जो सपना देख रही है एम में जाने का वो सपना भी अब हम पूरा करेंगे थैंक यू सो मच विश यू गुड लक जय हिंद जय भारत